हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग एमएस एक्सेल में वर्कबुक व्यूज को मैनेज करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एमएस एक्सेल को ओपन कर लेंगे जैसा कि देख रहे हैं, और उसमें हम लोग व्यू टैब पे जाएंगे। जैसे कुछ डाटा एंट्री है उसमें से हम लोग यहाँ देख रहे हैं वर्कबुक व्यूज के बारे में, जिसमें नॉर्मल है, पेज लेआउट है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है, कस्टम व्यूज है और फुल स्क्रीन है। इन चारों ऑप्शन के बारे में, पांच ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला जो है हमारा नॉर्मल व्यू, जो बाय डिफॉल्ट रहता है, हम लोगों को नॉर्मल व्यू ही शो करता है, ठीक है। दूसरा है पेज लेआउट में, तो चलिए उस पर हम बात करें। पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे तो हमको पेज वाइज, है ना, पेज वाइज हमको दिखेगा हमारा जो शीट बना हुआ है कि प्रिंटिंग में कितना पेज प्रिंट होगा और किस तरह से प्रिंट होगा। पहला पेज पूरा है, दूसरा पेज में पूरा डाटा नहीं है, थोड़ा सा ही है, और नीचे तक देख सकते हैं कहाँ तक प्रिंट कर रहा है। और इसमें हम लोग हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं। एक पेज में हेडिंग लगाइएगा, हर पेज में ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। इसको फिर से नॉर्मल व्यू करने के लिए हम लोग नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। यस, अगला है पेज ब्रेक प्रीव्यू का। प्रीव्यू इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। अभी फिलहाल मैं कुछ कुछ बता देता हूँ आपको। जितना प्रिंटिंग एरिया है उस हिसाब से इसको ड्रैग करके हम सेलेक्ट कर लेंगे जितना मुझे प्रिंट करना है। उतना दूर तक सेलेक्ट करने के बाद अगर आप पेज प्रिंट प्रीव्यू लेंगे तो आपको दिखेगा कि अभी दो पेज ही हमारा प्रिंट होगा, और अगर आगे बढ़ा देंगे तो तीन पेज भी हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप स्पेशल देख सकते हैं हमारे स्पेशल वीडियो में। चलिए इसको अब नॉर्मल कर लिए, ये ऐसा हो। चलिए अब हम बात करेंगे कस्टम व्यूज के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट यही है मुझे जैसा लगता है, क्योंकि तो इसमें हम लोग क्या है कि एक ही डाटा को बनाए हैं, अगर हमको अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से दिखाना हो तो इसके लिए इसको यूज करते हैं। अगर हमको माने कि कोई डाटा इसमें से हाइड करके, अगर स्टूडेंट को दिखाना हो उसमें ये दो डाटा नहीं होना चाहिए तो उसको हाइड करके दिखा सकते हैं। टीचर्स को कुछ अलग दिखा सकते हैं, कुछ कॉलम हाइड करके, और भी किसी को कुछ हाइड करके दिखा जा सकता है। मतलब कि सेम सीट और सेम डाटा को कुछ कुछ हाइड करके किसी को, दो तीन लोगों को हम दिखाना चाहें तो वैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहला वाले को हाइड कर लिया है, कस्टम व्यू पे जाएंगे और इसको ऐड कर देंगे। ये लिख देंगे इसमें फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट को हमारा टोटल वैल्यू और परसेंटेज नहीं दिखाई पड़ेगा, और ओके कर देंगे। एक व्यू ऐड हो गया, ये इतना डाटा इस व्यू में दिखेगा। और फिर से इसको अनहाइड कर लेंगे जिसको हाइड किए थे। अनहाइड करने के बाद फिर से एक अलग व्यू हम कस्टम व्यू में एक सेव करेंगे डाटा को, उसके लिए अलग से फिर कुछ हम हाइड कर लेते हैं। जैसे कि इस बार मैं परसेंटेज को हाइड कर रहा हूँ। परसेंटेज को हाइड करने के बाद फिर से कस्टम व्यू में जाएंगे और वहाँ पर ऐड करेंगे एक नया, कुछ मैं नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे, टीचर, ओके कर देता हूँ। अब इतना डाटा टीचर के लिए हो गया। अब फिर से उसको अनहाइड कर लेंगे। अब फिर से एक और बना लेते हैं। चलिए सारा जो मार्क्स है सब्जेक्ट का उसको हाइड कर लेते हैं। ये हाइड हो गया यहाँ से। और उसके बाद फिर से कस्टम व्यू में जाके ऐड करेंगे, और इस बार लिख देते हैं पब्लिक। ओके कर दिए। तो ये हो गया तीन तरह का डाटा हमारे पास, एक फॉर स्टूडेंट, एक टीचर के लिए और एक पब्लिक के लिए। इसको अनहाइड कर लिए। अब हमको जिसको दिखाना है, स्टूडेंट को दिखाना है, तो स्टूडेंट वाले व्यू को ऑन ऑफ एंड करेंगे, शो करेंगे। देखिए यहाँ से फॉर स्टूडेंट या जो भी कुछ है उसको, टीचर वाले को शो किए। टीचर वाले में जैसा बना के रखे थे वैसा शो कर रहा है। अब इसी डाटा को अगर मुझे किसी और को दिखाना है दूसरे तरीके से, उसमें से इस बार पब्लिक को सिलेक्ट करके शो किए, तो पब्लिक के लिए जितना डाटा सेव किया था मैंने वो शो कर रहा है। अब बच गया स्टूडेंट के लिए, एक बार उनको भी देख लेते हैं। अब स्टूडेंट और स्टूडेंट टीचर जो भी है यहाँ से अपने हिसाब से आप शो करा सकते हैं। अब बाकी जो चीज़ हाइड है उसको फिर से आप अनहाइड कर सकते हैं। अब मन है कि जो भी चीज़ हम सेव किए उसको डिलीट करना है, तो वहाँ से जाके एक एक करके हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट, ओके, यस, डिलीट, यस एंड डिलीट, यानी कि सारा डाटा हमारा डिलीट हो गया। तो ये था हमारा कस्टम व्यू।
अब लास्ट हमारे पास एक बच गया है, यहाँ पे कुछ हाइड है, उसको अनहाइड कर ले पहले। अनहाइड हो गया, अब मेरा लास्ट भी बचा है फुल स्क्रीन। वो कुछ नहीं है, नॉर्मल सा चीज़ है, पता ही होगा सबको, या फिर अपने से करके भी देख सकते हैं। चलिए मैं फिर दिखा देता हूँ आपको। तो अभी स्क्रीन दिख रहा है, इसमें सारा कुछ दिख रहा है, ऊपर मेनू वगैरह दिख रहा है। अगर फुल स्क्रीन कर देंगे तो मेनू सब गायब हो जाएगा, जो भी शॉर्टकट मेनू वगैरह है। और इनको फिर से वापस से ठीक करने के लिए आप स्केप बटन को कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिएगा, वो ठीक हो जाएगा। स्केप ESC लिखा होता है बटन पर। तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।